क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयानों से इस कदर घिर गई है कि उसकी नैया वहां डूबती हुई नजर आ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत को पार्टी से निकालने पर विचार कर रही है? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दराजनीति, मैं हूं जब्बार खान। दराजनीति के इस सेशन में, इस सेगमेंट में आज कंगना रनौत पर बात। और क्या बड़ी बड़ी बातें, विवादास्पद बातें करते हुए सत्ता के गलियारों में आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, हिमाचल की मंडली से सांसद बनने के बाद कंगना रनौत ने अपना वही रवैया अख्तियार कर रखा जब वो सियासत में नहीं आई थी? सियासी पारी खेलने के लिए विवादास्पद जिस तरीके से वो बयान देती थी, उसी तरीके से, उसी गैर जिम्मेदाराना बयान वाले रवैये को उन्होंने फिर से अपनाया और उस रवैये को लेकर के बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हाल में कंगना रनौत ने एक महीने में दो ऐसे बयान दिए और पिछले कुछ घंटे पहले एक ऐसा बयान कंगना रनौत ने दे दिया किसानों को लेकर के, जिसका खामियाजा बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भुगतने को तैयार नहीं है। और इसीलिए बीजेपी ने फटकार लगाते हुए कंगना रनौत को ये नसीहत दी कि ये ओल फोल बकना बंद करो। बीजेपी के प्रवक्ता को आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सफाई पेश करनी पड़ी कि कंगना रनौत का बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। कंगना रनौत ने जो कुछ कहा उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। कंगना रनौत पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं। और उसके बाद कंगना रनौत को अपना बयान वापस लेना पड़ गया। दरअसल किसान और किसानों के आंदोलन और तीन कृषि कानून को लेकर के अक्सर कंगना रनौत कुछ ना कुछ विवादास्पद बयान देती रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने तीनों कृषि कानून को लेकर के वापस लाने की बात इस अंदाज में कही कि विपक्षी पार्टियों से लेकर के किसान नेता तक कंगना रनौत के ऊपर हुक्का पानी लेकर के चढ़ गए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा। एक तरफ सियासी पारा चुनावी राजनीति का हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, तो दूसरी तरफ अपनी सिमटती हुई या खींची जा रही सियासी जमीन को किसी तरह सहेजने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में किसी तरह की कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी कंगना रनौत को कोई बड़ा सबक सिखाएगी? क्या बीजेपी कंगना रनौत को पार्टी से साइडलाइन करेगी? क्या बीजेपी कंगना रनौत की जगह किसी और दूसरे को सांसद के तौर पर वापस लाने के लिए विचार कर रही है? क्या बीजेपी कंगना रनौत को पार्टी से निकालने तक पर विचार कर रही है? ये सारी ऐसे सवाल, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बिंदु हैं, ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि कंगना रनौत ने जब ये बयान कहा, ये बयान दिया कि प्रधानमंत्री को उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लाना चाहिए, किसानों के आंदोलन को लेकर के उन्होंने जिस अंदाज में ये बात कही और ये कहा कि किसानों को उस कानून की मांग करनी चाहिए, उस पर सहमति जतानी चाहिए, हरियाणा में मानो वहाँ की राजनीति में उफान मच गया। इसीलिए पांच सवाल इस वक्त जिसको लेकर के हम विश्लेषण करेंगे। पहला बिंदु, पार्टी द्वारा बार बार समझाए जाने के बावजूद आखिर कंगना रनौत ऐसा बयान क्यों दे रही हैं? क्योंकि कंगना रनौत का ये कोई पहला बयान नहीं है। दूसरा सवाल, क्या कंगना के बयान के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो कंगना को उकसा रही है? तीसरा सवाल, क्या कंगना रनौत के बयान ये दर्शाते हैं कि पार्टी में दो धड़ा हो चुका है? क्योंकि नंद किशोर गुर्जर, सरीखे, संजय जोशी जैसे बड़े नेता कंगना रनौत के समर्थन में उतर आए हैं। क्या लोकसभा चुनाव, खासकर 2024 के बाद बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर धड़ों में बटी है? कंगना के ऐसे बयानों से पार्टी को अब तक क्या क्या नुकसान हुआ? कंगना के हाल के बयान से हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना बड़ा डेंट लगेगा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के चर्चाएं तेज हैं, अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। दरअसल किसान प्रधान राज्य हरियाणा विधानसभा चुनाव के पेश में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी के नई नवेली सांसद कंगना रनौत ने अपने 30 मार खा वाले बयान से बीजेपी को ऐसी मुश्किल में डाल दिया जिसने बीजेपी को उनसे दूरी बनाने की एक वजह दे दी। हालांकि उन्होंने इस बयान को वापस ले लिया क्योंकि जो बात कही उन्होंने कहा कि वापस लिए गए तीनों कृषि कानून फिर से
लाए जाने चाहिए। ये अपने आप में ऐसा बयान था मानो जले पर नमक लगाना कटे पर मरहम के बजाय नमक लगाने जैसा था। कंगना के बयान पर विपक्ष हमलावर हुआ, विरोध कर रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने किसानों से जुड़े मामलों में टिप्पणी की है। कंगना के ऐसे बेशुमार बयान हैं, कंगना के ऐसे बेशुमार ऐसे मौक़ों पर दिए गए खासतौर पर तीनों कृषि कानून को लेकर के बयान है, जिसको लेकर के न सिर्फ वो घिरी बल्कि पार्टी की किरकिरी हुई। पार्टी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये बताना पड़ा कि कंगना तो अधिकृत ही नहीं है पार्टी की तरफ से कोई बयान देने के लिए। इतना ही नहीं, एक एयरपोर्ट पर नई नवेली सांसद बनने के बाद कंगना को चांटा भी खाना पड़ा था, एक वो भी एक महिला सिक्योरिटी के जवान से। कई सारे ऐसे बयान कंगना रनौत कर रहे हैं। सबसे पहले जल्दी से मैं उनके बयानों को आपको बताता हूं। 3 साल पहले उन्होंने महिला आंदोलनकारियों पर पैसे लेकर धरने करने का आरोप लगाया। उन्होंने सिखों को लेकर के भी विवादास्पद टिप्पणी की और महीने भर के अंदर यह दूसरी बार है जब बीजेपी ने कंगना की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। इस बार भी बीजेपी ने कंगना के बयान को व्यक्तिगत बयान बताते हुए कहा कि साहब ये तो हमारा बयान नहीं है। मगर विवादास्पद बयानों का अंबार है पूरा उनका। आप देखें, इसी वक्त से अगर देखूं मैं, इसी सितंबर के महीने से 24 सितंबर 2024 उनका यह बयान, तीनों विवादास्पद कृषि कानून फिर से लागू किया जाना चाहिए, लाया जाना चाहिए। वो कहती थी, उन्होंने कहा कि किसानों को खुद ये कानून लागू करने की मांग करनी चाहिए। कंगना का कहना था कि मुझे पता है कि ये बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए, किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। तर्क भी उन्होंने दिया था, किसानों के लिए 3 कानून फायदेमंद थे लेकिन कुछ राज्यों में किसान संगठनों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें निरस्त कर दिया। वो कहती हैं कि किसान देश के विकास में ताकत का स्तंभ है। मैं उनसे अपील करती हूं कि वो अपने भले के लिए कानून को वापस लाने की मांग करें। ये हाल का बयान 24 तारीख का, 25 अगस्त इसी साल का। ये कहकर के विवाद खड़ा कर दिया कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी है। जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होते हुए देर नहीं लगेगी। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थीं, वहाँ रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जिसे बांग्लादेश में हुआ इस तरह के षड्यंत्र, आपको क्या लगता है किसानों को चीन अमेरिका इस तरह की विदेश शक्तियाँ यहाँ काम कर रही हैं। हालांकि कंगना के बयान के बाद में बीजेपी ने फिर से सफाई दी थी कि पार्टी की राय नहीं, पार्टी की लाइन नहीं और नीतिगत बातों पर बोलने के लिए कंगना अधिकृत भी नहीं है, ना ही उनको अनुमति है, ना ही उनको ऐसा बयान देने के लिए कहा गया है। कंगना रनौत इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, आगे से कंगना ऐसा बयान ना दें। 2021 प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, किसान आंदोलन को दोषी ठहराया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारत को इस तरह के आंदोलन से कमजोर किया जा रहा है, किसानों ने अपने हितों के लिए राष्ट्र के हितों की अनदेखी की। फरवरी 2021 किसान आंदोलन के समर्थन में जब अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया तो कंगना ने नाराजगी जताई और कहा कि ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। रिहाना के मूर्ख और किसान आंदोलन को आतंकवादी होने का करार दिया था किसानों को। कंगना ने उस वक्त लिखा था, कोई इस बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो किसान नहीं है, वो आतंकवादी हैं जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर सके। दरअसल रिहाना ने 2 फरवरी 2021 को एक न्यूज़ चैनल के स्टोरी का लिंक शेयर किया था और लिखा कि आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट भी लगाया जिस अंदाज में उस वक्त। नवंबर 2021 कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल हुए कुछ लोगों पर खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है, इसमें खालिस्तानी तत्व शामिल हैं, इस देश को तोड़ने की साजिश होने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने इसके लिए पोस्ट भी लिखा था, खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार को परेशान कर रहे हैं लेकिन हमें एक महिला को नहीं भूलना चाहिए। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इन्हें अपनी जूतियों के नीचे कुचला था, इंदिरा गांधी के लिए वो कह रहे थे। चाहे उन्होंने इस देश को कितनी भी तकलीफ क्यों ना दी हो, उन्होंने अपनी जान की कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। इस बयान के बाद सिख समुदाय में गुस्सा उस वक्त भड़का था। कंगना के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई थी।
इस बयान ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी। सिख समुदाय को बीजेपी का महत्वपूर्ण समर्थन है और आधार भी माना जाता है। उनके बयानों की श्रेणी यहीं तक नहीं है। 2021 से और पीछे जाइए, 2020 किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला आंदोलनकारियों को लेकर के उन्होंने जो टिप्पणी करते हुए कहा था कि महिलाएं पैसे लेकर के प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं, पैसे लेकर के। शाहीन बाग की दादी का जिक्र करते हुए एक महिला को भी निशाना उस वक्त उन्होंने बनाया था और कहा था कि 100-100 रुपए लेकर के ये प्रदर्शन करती हैं। इस बयान के बाद विवाद बढ़ा, बीजेपी के अंदर असहजता वाली स्थिति पैदा हुई। उस समय भी कंगना पर खूब हंगामा हुआ जब पैसे लेकर के किसान आंदोलन में शामिल होने का आरोप लगाया था। तब कंगना ने कथित तौर पर पंजाब की एक महिला किसान की गलत पहचान करते हुए बिल्किस बानो से उसे बताया। हालांकि वो 80 साल की बुजुर्ग महिला किसान थी जो पंजाब में धरने पर बैठी थी। दरअसल बिल्किस बानो नाम की महिला ने इससे पहले दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। कंगना ने एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें आरोप लगाया था कि शाहीन बाग दादी भी दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों को लेकर के किसानों के आंदोलन में शामिल हुई। बिल्किस बानो समेत दो बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीर के साथ पोस्ट कर ट्वीट किया था। ये लिखा था, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं। उस वक्त कंगना ने जो ट्वीट किया था उसमें एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही थी जो भले ही छुक कर चल रही थी लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन का झंडा बुलंद किया हुआ था। उनका नाम था मोहिंदर कौर। बाद में पता चला कि दोनों महिलाएं तो अलग अलग हैं। इस पर कंगना ने ट्वीट को हटा दिया। कंगना के बयान को किसानों और महिलाओं के लिए अपमानजनक माना गया। इसी साल जून में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सीआईएसएफ के एक महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ रसीद कर दिया था। महिला कांस्टेबल का कहना था कि उनकी मां ने किसानों के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। कंगना के पैसे लेने वाले बयान से उसे ठेस पहुंची है, जबकि किसानों, विपक्ष और बीजेपी के सहयोगी पार्टी के लंबे विरोध के बाद नवंबर 2021 में किन सरकार को यह कानून वापस लेने पड़ गए थे। दरअसल तीनों कृषि कानून निरस्त करने की मांग को लेकर के किसान सिंधु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए थे। उस वक्त लगातार 14 महीने तक विरोध प्रदर्शन चला था। 26 जनवरी 2021 को किसानों ने नई दिल्ली में एक ट्रैक्टर से परेड की, लाल किले में घुसकर बवाल भी किया। जिस अंदाज में कंगना रनौत ने अपने अटपटे बयानों से बीजेपी के लिए मुसीबतें पैदा की हैं उससे बीजेपी अक्सर असहज हुई है। जिस तरीके से कंगना ने हाल में महीने भर में किसान आंदोलन से जुड़े मामले पर दूसरी बार बयान दिया, दोनों बार बीजेपी ने उनके बयान से किनारा किया। ये बयान ऐसे समय में आया जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी जूझ रही है। तो ये सारी ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी खास रणनीति के तहत कंगना से पार्टी आला नेतृत्व ये बयान दिलवाता है या किसी खास शक्ति के तहत कंगना रनौत ये बयान देती हैं। क्योंकि कंगना ने जो बयान दिया उससे पार्टी ने तो फौरन पल्ला झाड़ लिया। तो क्या पार्टी के अंदर दो धड़े बने हुए हैं? जैसा कि कंगना रनौत के समर्थन में उतरे जो लोग, जिसमें संजय जोशी बड़ा नाम है, नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने कहा कि कंगना रनौत की हिमायत करते हुए कि प्रधानमंत्री को फिर से उन कानून को लेकर आना चाहिए। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जो बीजेपी के लिए सहज बिल्कुल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, जिस सख्त लहजे में कंगना को हिदायत दे रही है उससे तो यह लगता है कि 10 साल तक बीजेपी हरियाणा में सत्ता में थी और इस बार वैसे ही उसकी मुश्किलें वहां पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि राजनीतिक जानकार और हरियाणा की सियासत को नज़दीक से समझने वाले बता रहे हैं, ऐसे में कंगना का ये बयान एक तरीके से बीजेपी को और बैकफुट पर ढकेल दे रहा। तो क्या ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के कंगना रनौत अपने तरीके से, अपने अंदाज में और अपनी सोच से, अपनी समझ से जो बयान दे रही हैं वो बयान पार्टी के नेताओं से विमर्श करने के बाद नहीं दे रही हैं? तो फिर कौन है वो लोग जो कंगना को आगे रख करके ये बयान दिलवा रहे हैं? क्या पार्टी आला कमान कंगना से अब उकता गया है? कंगना को समझाते समझाते पार्टी आला कमान थक गया है? कंगना को पार्टी अब साइडलाइन कर देगी? कंगना को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है।